अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अबूबकर और आपको वेलकम करता हूँ मेरे YouTube चैनल ABCS पे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मगर उससे पहले मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। जादू क्या है एक्चुअली? जादू है ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो सब्सक्राइबर्स का रेट 1.7% और 98.3% बनते जो हमसे यहाँ यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं मेरी, मगर वो सब्सक्राइब नहीं करते। कितना को टाइम लग जाता है? 2 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब के बटन प्रेस करने पर, बेल आइकन प्रेस करने पर। चले मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ। कर दिया सब्सक्राइब? ओके चले, खैर आगे चलते हैं। और जो टॉपिक है आज का वो ये है कि हम आपको बताएंगे कि टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स कौन सी है, वो कौन सी है कि जिनके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाना आपको वर्थ इट है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोजेक्ट या कोई ना कोई क्लाइंट लाजमी मिलने वाला है, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको ऑपरेट करेंगे। उसका प्रॉपर तरीका क्या है ऑपरेट करने का, वो यही है कि सबसे पहले आपने अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन टू द पॉइंट, जो चीज़ आप माहिर हैं जिस चीज़ में, वो अपनी वेबसाइट अपनी प्रोफाइल के ऊपर, जिसके ऊपर भी आप अकाउंट बना रहे हैं उसके ऊपर आपने प्रॉपरली वो चीज़ मेंशन करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक नीच है जिसको हम एज ए एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं कि हम कोई आइकन बना सकते हैं या कोई बैनर बना सकते हैं या किसी वेबसाइट का टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं या किसी भी किस्म के वायर फ्रेम्स डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी मोबाइल एप्लीकेशन की स्क्रीन्स बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी। आप जो जिसमें कंफर्टेबल हैं, जब आपको क्लाइंट मिलेगा ठीक है तो वो आपसे कम्प्लीटली सेटिस्फाई होगा, तो वो आपको रेटिंग्स देगा, उस रेटिंग की बेस के ऊपर आपकी प्रोफाइल ऊपर जाने वाली है। ये चीज़ जब भी आप प्रोफाइल बनाएं तो ये चीज़ काइंडली एक माइंड में लाजमी रखें कि आपने जब प्रोफाइल बना रहे होना है तो वही चीज़ें मेंशन वहाँ पे करनी है जिसकी ग्रिप आपकी हैंड्स ऑन ग्रिप है और आप पूरे 100% कॉन्फिडेंट हैं कि यार ये अगर क्लाइंट मेरे पास आएगा तो मैं इसे निकाल दूंगा। ठीक है, अपना 100% देना है उसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही आप ये चीज़ें अपनी प्रोफाइल के अंदर मेंशन करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं। और जब आप उसको एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे होते हैं अपने आपको अवेलेबल शो करने के लिए, ठीक है, तो आपके बिहाइंड सीन आपको ये रिलैक्सेशन होती है कि यार अगर मैं इसके ऊपर टाइम लगा रहा हूँ, मैं अपनी रातें ज़ाया कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ इससे आउटपुट आने वाला है। ये जो एक फैक्टर है ये आपने लाजमी जेन में रखना है। ठीक है, जब भी आप इन 5 वेबसाइट्स में से किसी पे भी आप अपने कोई प्रोफाइल बनाते हैं, आप अपनी कोई गिग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है ड्यूरिंग द प्रोफाइल क्रिएशन। ठीक है, और रेट स्टार्टिंग में डेफिनेटली आप मिनिमम रेट रखेंगे अपना, ठीक है, जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट होगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जैसे कि मैं भी अगर कुछ काम करवाता हूँ तो मुझे पता होता है कि यार जो स्टार्टिंग पे होगा बंदा, डेफिनेटली वो एक नया आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, और उसकी मैंने सबसे पहले वो देखनी होती है कि इसने प्रोफाइल कब बनाई है, ठीक है, उसको कितना टाइम हो गया है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि अगर वो नया भी है तो मैं उसको चांस दूँ। यही एक माइंडसेट होता है क्लाइंट का कि वो देखता है कि ठीक है एक चीज़ जो उनसे मुझे $20 में मिल रही है, एक नया बंदा मुझे अगर $10 में करके दे रहा है तो वो क्या वाकई ऐसा कैपेबल है कि वो काम कर सकता है, उसकी प्रोफाइल क्या है। लाजमी नहीं है कि प्रोफाइल के अंदर आपने वो चीज़ें लगा देनी है, ठीक है, जो आपने उस स्पेसिफिक वेबसाइट पे की हैं। डेफिनेटली जब आप किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर नए होते हैं तो उस प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस जो सा होता है वो प्लेटफॉर्म खुद जनरेट करता है जब तक आपको उसके उस प्लेटफॉर्म से क्लाइंट्स नहीं मिलते। जैसे ही आपको उस प्लेटफॉर्म से क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो सा है वो आपको एज एन एक्सपीरियंस आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा। बट एट द वेरी बिगिनिंग जब आप बिल्कुल जीरो होते हो तो एटलीस्ट आपका जो आपका फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है या लोकल आपकी भी किसी कंपनी के साथ काम कर रहे थे तो वो जो एक्सपीरियंस है वो काइंडली लाजमी मेंशन कीजिए
अपनी प्रोफाइल के अंदर, क्योंकि वो ही ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि जब भी किसी क्लाइंट ने आपको वेबसाइट आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू करना है तो उसने आपका एक्सपीरियंस लाजमी देखना है कि यार वाकई ये बंदा इस नौयत का, इस लेवल का काम कर सकता जो मैं इसे रिक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। उसको जब आपके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, आपका एक्सपीरियंस वाला सेक्शन बिल्कुल एम्प्टी होगा, तो वो यही कहेगा कि यार इसको तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि इसका क्या, बिल्कुल बिल्कुल वो ब्लंटली आपके वो इग्नोर कर देगा, वो बिल्कुल आपके प्रोफाइल को देखेगा भी नहीं, आपको इग्नोर कर देगा। एटलीस्ट कुछ प्रोजेक्ट्स आपने अपने एक्सपीरियंस टैग के अंदर वहाँ पे मेंशन करने हैं, अगर लिंक्स हो सकें उसके, कुछ विजुअल पिक्चर्स हो सके, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लाजमन आपने उस एक्सपीरियंस टैग के अंदर लाजमी मेंशन करनी है, जिससे आपका पोर्टफोलियो, आपकी जो प्रोफाइल है वो जो है वो काफ़ी निखर के आएगी। सो ये चीज़ जो है वो काफ़ी मायने रखती है। और दूसरी बात यह है कि जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसा क्लाइंट है जैसे US के क्लाइंट्स को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उनका टाइम फ्रेम जो है वो लाजमी देखें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो जो क्लाइंट्स हैं वो सुबह 7 बजे 8 बजे, ये नहीं कि पाकिस्तान इंडिया की तरह, ये नहीं वो चिल करके सो रहे होते हैं, वो सुबह 7-8 बजे अपनी जॉब्स पे होते हैं, और जब भी उनको कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो या तो उन्होंने इस टाइम में लगानी थी 6 से 10 के टाइम में, यानी कि 7 से 11 के टाइम में, ठीक है, तो या तो उन्होंने शाम के टाइम पर लगानी होती है, ठीक है। जैसे ये जो टाइम है ना, ये काफ़ी क्रिटिकल है, ठीक है। इस टाइम के ऊपर आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, अब उसको आप जो है प्रपोजल है वो प्रपोज कर सकते हैं कि यार ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है ये तुम्हारा मैं कर सकता हूँ। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, आपने लाजमी ऑनलाइन रहना है और देखते रहना है कि क्या नया आपको प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या नई चीज़ें, नए से नए क्लाइंट्स की पोस्ट आ रही हैं, उन सब पोस्ट को आपने गो थ्रू करते रहना है, ठीक है, स्पेसिफिकली इस टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ US के क्लाइंट की, जिसके जिस तरह से वो जो है 7 से 11 बजे के दरमियान जो उनका टाइम फ्रेम होता है सुबह का, और शाम का जैसे टाइम फ्रेम होता है 4 से 6 बजे तक का, तो ये चीज़ आपने लाजमी माइंड में रखनी है। तो जब इस तरह से आप एक चीज़ को प्रोसेस करके चलते हैं तो डेफिनेटली जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, इवन दो आप नए हैं उस वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपवर्क है फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं एक माइंड सेट बना के आता हूँ कि कहता हूँ कि यार मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं कोई बैक एंड डेवलपर हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, सो मैं एक माइंड सेट बना के आता हूँ कि यार मैंने इस 3 महीने के अंदर एटलीस्ट 2 क्लाइंट्स मारने हैं यहाँ से एटलीस्ट, ठीक है। जैसे ही हम अपना गोल थोड़ा सा स्कोप में लाते हैं ना कि मैं 2 क्लाइंट्स निकालने हैं पहले 3 महीने के अंदर जब से मैंने प्रोफाइल बनाई है, तो जैसे ही हम अपना जेन बना के आते हैं ना, तो आपको डेली उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा प्लान करके उस चीज़ के ऊपर स्टिक रहना होता है, आपको डेली अपनी जो सी अवेलेबिलिटी है वो शो करवानी होती है क्लाइंट्स को कि मैं अवेलेबल हूँ इस टाइम पर, क्योंकि जब वो आपकी प्रोफाइल अगर गो थ्रू भी करेंगे तो वहाँ से आप उनको आइडिया देगा कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम वो कितना ज़्यादा है, इसकी अवेलेबिलिटी जो सी है वो किस हद तक है, ठीक है। तो ये एक माइंडसेट आपने बनाना है बिफोर क्रिएटिंग द प्रोफाइल्स ऑन दिस वेबसाइट। सो जो टॉपिक था ये था कि हमने आज डिस्कस करने की ऐसी 5 वेबसाइट्स जो कि जिसके ऊपर क्लाइंट्स आपको लाजमी मिल जाते हैं अगर आप काम करने वाले हो। तो सबसे जो टॉप नॉच जो मुझे पसंद है वेबसाइट वो है जी आपकी अपवर्क, काफ़ी प्रोफेशनल है, ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पे आती है जी फाइवर, जिसके ऊपर गिग्स बनाते हैं, ज़्यादातर ये फेमस होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर या अमेज़ॉन के अंदर, ठीक है जी, या आइकन बनाने के अंदर, SEO के अंदर, इस तरह की जो नीश है, इस तरह के जो आपका काम है, ठीक है, वो अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो ये जो फाइवर वेबसाइट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है। राइट आफ्टर दैट जो है फ्रीलांसर जो है freelancer.com, ये भी एक अच्छी साइट है जिसमें आपको PHP का काम मिलता है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे काम मिलेगा, सर्विसेज से रिलेटेड काम मिलेगा, एंड्रॉयड iOS डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको काम मिलेगा। सो ये इस माइंडसेट से आपने बनाना है कि आप प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करने जा रहे हैं और आपका जो काम की आपका
नीच है काम की, कि आपका हम यानी कि ज्यादा जो काम है आपको किस वेबसाइट से मिलने वाला है। सो ये क्लाइंट का भी माइंडसेट आपको देखना होता है कि वो किस वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स देगा। सो वही बात, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड है तो आपको फाइबर पे जाना है, अगर आपको कोई PHP वेब डेवलपमेंट इस तरह से रिलेटेड है तो आपको अपवर्क के यहाँ फ्रीलांसर पे जाना है। सो एक और वेबसाइट है पीपल पर आर्ट, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर मोस्टली आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड, वेब आर्किटेक्चर से रिलेटेड और इस तरह की जो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हैं उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाने को मिल सकती है, ठीक है। इस तरह की जो माइंडसेट है उसको लेके चलेंगे तो पीपल पर आर्ट उनसे बहुत अच्छी वेबसाइट है। और जो सिंपली हायर्ड है ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिसमें आप जो उनकी है पिक्चर्स एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी बहुत, सो इस तरह की जैसे एक्सेल वर्ड की जो फाइल्स होती हैं वो बनाना। तो ये जो सी हैं ऐसी 5 वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपको डिफरेंट माइंडसेट के साथ एक ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो लिस्ट है वो दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले अपवर्क, उसके बाद है जी फाइवर, उसके बाद है freelancer.com, आफ्टर दैट इज पीपल पर आर एंड देन एट द एंड इज सिंपली हायर। सो ये था जी आज का जो टॉपिक, आज की जो नॉलेज थी वो आपसे ये शेयर करना चाह रहा था कि जैसे ही, ठीक है, हमारा ये होता है कि काफ़ी आपको वीडियोस मिलती हैं जी कि आप मंथली इतना बना सकते हैं, मंथली इतना डॉलर्स बना सकते हैं ऑनलाइन। सो इसके पीछे डेफिनेटली एक बहुत हसल है, एक बहुत मेहनत है जो कि आपको सीखना है कि आपको कैसे करनी है, ठीक है। वही बात आ जाती है जो मैटर करता है, वो ये करता है कि आपने काम टाइम पे दिया, प्रोवाइड किया, ठीक है। जो माइंडसेट के साथ जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो वो जो टर्म है वो बहुत काम आती है जी के वर्क स्मार्टर स्मार्ट अदर देन द वर्क हार्ड, सही है, कि ज़्यादा मेहनत ना की जाए मगर एक स्मार्ट वे से एक काम को अकम्प्लिश किया जाए। सो जो माइंड सेट है आपका वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि आपकी नीच क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस जो उनसे जो आप सेल आउट करना चाह रहे हैं वो किस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा रैंक करेगी और आपको जल्दी से जल्दी क्लाइंट्स मिलने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने होस्ट अबूबकर को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी सारी कम्युनिटी, बाकी सारे लोगों का भी माइंडसेट जो सा वो क्लियर हो सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। अल्लाह हाफिज़।